बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी, वेरी नाइस मूवी, वेरी नाइस एक्टिंग, वेरी नाइस म्यूजिक, एवरीथिंग वेरी नाइस, सुपर परफॉर्मेंस, सबके परफॉर्मेंस बेस्ट थे, आउट एंड आउट, लाइक इट वॉज एन क्लास कल्ट मूवी, कमर्शियल मूवी होने के बावजूद भी काफ़ी कुछ सीखने जैसा भी था इस मूवी में। सुशांत सिंह राजपूत एंड श्रद्धा, दे आर लाइक ब्रिलियंट एक्टर्स, ब्रिलियंट परफॉर्मर्स, और उनका परफॉर्मेंस देख के एक्चुअली आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। आई थिंक उनके अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता था। आपको कॉलेज लाइफ क्या लाया? हाँ जी बिल्कुल, मैं अपना कॉलेज लाइफ बिल्कुल रिलेट कर पा रहा था, हर एक जो उन्होंने ऐसे ऐसे स्क्रीन प्ले या ऐसे स्क्रीन्स, पता नहीं टेक्निकल वर्ड में क्या कर पा रहे थे, बट व्हेन आई वाज विजुअलाइजिंग इट आई कुड रिलेट इट विद माय कॉलेज डेज। यस, बिल्कुल, एक नहीं मैं काफ़ी कुछ लेके जा रहा हूँ एक्चुअली। हाँ यस, सो सबसे पहले जो एक्चुअली मैं काफ़ी कुछ अपना मैसेज इसलिए नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वो मैं फिल्म के बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बट मैं यही सबको रेकमेंड करूँगा कि आप आओ ये फिल्म देखो, आपका पैसा वसूल है, टोटल पैसा वसूल मूवी आउट ऑफ 5/5। इट वॉज रियली गुड, बहुत ही फन थी, एंटरटेनिंग एंड इमोशनल एट द सेम टाइम, एंड मैसेज भी काफ़ी अच्छा था। उन दोनों की भी काफ़ी अच्छी थी, एंड सपोर्टिंग कास्ट का भी उतना ही हाथ था, लाइक सबको इक्वल स्क्रीन टाइम मिला तो सब लोग थे, मतलब ऐसे लग नहीं लग रहा था ये हीरो, एवरी वन वॉज देयर, लाइक ऑल द फोर ओवरऑल, एंड द मैसेज वॉज वेरी गुड एंड सटल वे में दिया गया, एंड बहुत अच्छा था, लाइक पूरी मूवी एंटरटेनिंग थी, सो आई कॉन्ट पिन पॉइंट अ पर्टिकुलर पार्ट। एकदम टोटली, लाइक इट वॉज रियली गुड मूवी, रियली गुड। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी फिल्म जी, स्टोरी बहुत अच्छी है, मैसेज बहुत अच्छा है, स्टोरी स्टार्ट से लेकर एंड तक बहुत ही ग्रिपिंग है, डायलॉग्स इतने फनी हैं, लाइक यू विल स्टार्ट लाफिंग, यू नो एक एक लाइन में ना आपको लाफ्टर आएगा, सो इट्स रियली गुड, वो क्लाइमैक्स। या आई थिंक सुशांत वॉज टू गुड, श्रद्धा वॉज ऑल्सो गुड, ऑल द कैरेक्टर यू नो द फ्रेंड्स, ताहिर वॉज गुड, प्रतीक बब्बर वॉज ग्रेट, एंड सभी अच्छे थे, इनफैक्ट सारे कैरेक्टर एक्टर्स अच्छे थे, ऐसा कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि वो परफॉर्म कर रहे हैं, देर वॉज ग्रेट केमिस्ट्री विजिबल बिटवीन यू नो ऑल ऑफ देम टिल द लास्ट। सो अरे टू गुड, बहुत ज़्यादा पसंद आया, आई मीन नितेश सर का काम तो काफ़ी अच्छा होता ही है, वी ऑल नो, बट ये तो मुझे नहीं पता था ये फिल्म ऐसी होगी, ट्रेलर से लगा था कि अच्छी फन फिल्म होगी, बट इट वॉज वेरी ग्रिपिंग, वेरी कैप्टिवेटिंग, एंड द क्लाइमैक्स पार्ट तो यार इट रियली ब्लू में होगा। या या तो मैं मैसेज बताऊँ, आई थिंक द मेन मैसेज द फिल्म इज़ ट्राइंग टू पोर्ट्रे इज, हम अपने बच्चों से अपने लोगों से ये वादा करते हैं कि ये कर लो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, हम उनसे ये डिस्कस नहीं करते हैं कि अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा, यू नो सो हम सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये सक्सेस मिला तो क्या होगा, तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर यू नो अमंग्स चिल्ड्रंस इवन द यंगस्टर्स, तो वो मैसेज है, एंड जब मैं वो देख रहा था तो मुझे लगा यार सही बात है, एंड हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं लाइफ को, तो थोड़ा सा चिल करना चाहिए। या 5 स्टार, सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग मूवी है, और लोग कंपेयर कर रहे थे 3 इडियट्स से, बट उससे काफ़ी डिफरेंट, बहुत ज़्यादा एक्चुअल में जो स्टार्टिंग से और क्लाइमैक्स तक इतने सुपर्ब डायलॉग्स थे कि फुल एंटरटेनमेंट बोल सकते आप इसको, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मेरे को बेस्ट पार्ट वही लगा कि जो उनका बेटा होता है वो एक्सीडेंटल जो हो जाता है, उसके बाद हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो उसके बाद जब उसके सारे फ्रेंड्स आते हैं और उसको एज एन स्टोरी बताते हैं और उसको एक मोटिवेशन देते हैं जीने के लिए, कि भाई जो बंदा जीना नहीं चाह रहा और उसके बाद उसको एज एन मोटिवेशन दे रहे हैं कि यार नहीं तू लूज़र नहीं है और तू भी आगे बढ़ सकता है, तो बहुत ज़्यादा। हाँ श्रद्धा कपूर ऑब्वियसली बात है, 5। सर आपको मूवी कैसी लगी? ठीक है पिक्चर, इससे मतलब कोई ख़राब नहीं लगी,
इससे थोड़ी लेकिन स्लो जा रही है पिक्चर। स्टोरी कितनी पसंद आई? स्टोरी ठीक है, मतलब बहुत जितने आदमी सोचेगा कि कुछ दमदार पिक्चर होगी। अभी हम तो सोच किया था कि 3 Idiots Part 2 देखेंगे, बट कंपेरिजन नहीं थी उसके साथ। हाँ ठीक है, मतलब 50-50 है। आई विल गिव परफॉर्मेंस, श्रद्धा इज गुड, वरुण शर्मा इज क्लासिक। अगर वरुण शर्मा पिक्चर में नहीं होता तो पिक्चर दम नहीं है पिक्चर में, ऐसा नहीं। पिक्चर तो क्लीन बनाई है, ऐसी बात नहीं है। डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, म्यूजिक इज गुड। हाँ प्रीतम जी का म्यूजिक भी अच्छा है, ठीक है। हाँ वन टाइम वॉच 3 स्टार। फिल्म देखी छिछोरे जी, कितनी अच्छी लगी आपको ये फिल्म? मूवी ऑसम थी, तिवारी जी से जैसे उम्मीद की गई थी वैसी उन्होंने मूवी दी है, और जैसा उनका स्टोरी का उम्मीद था, स्क्रीन प्ले का उम्मीद था, 3 Idiots की तरह, दंगल की तरह, वैसे ही उन्होंने इस मूवी में दिया है। हाँ मुझे थोड़ा सा डाउट था कि छिछोरे उस लेवल की होगी कि नहीं होगी, लेकिन मेरी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा आगे गई है। उम्मीद पर खरी उतरी? उम्मीद से ज़्यादा गई है। सारे कैरेक्टर्स कैसे लगे आपको? मुकेश चावड़ा की कास्टिंग अच्छी थी, कैरेक्टर सारे अच्छे थे, हर एक रोल पे हर एक जो कैरेक्टर था सूट कर रहा था, तो ऐसा नहीं लगा कि कोई ओवर है, सब कुछ बेस्ट लगा मुझे। ये बताइए फिल्म में स्टोरी क्या है, कहानी आपने क्या समझा, क्या लिखा? स्टोरी में सबसे अच्छी बात फ्रेंडशिप दिखाई गई है। फ्रेंडशिप के अलावा जो स्टोरी का बेस था कि भाई विनिंग और लूज के ऊपर क्या बोला जाता है, क्या सोचा जाता है लाइफ के बारे में, तो वो एक अच्छा लास्ट में जो है उन्होंने सीख दी है। ओके कौन कौन से कैरेक्टर्स आपको पसंद आए? सारे ही अच्छे थे। अपना सुशांत सिंह का जो कैरेक्टर है, या सेक्सा का है, या मम्मी का है, या डेकर का है, सबका अच्छा कैरेक्टर था। कैरेक्टर में फिल्म में लास्ट का जो उन्होंने सीख दिए वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी बीच में काफ़ी इमोशंस हुए हैं, काफ़ी सारे इमोशंस उन्होंने डाले हैं मूवी के अंदर एज एक्सपेक्टेड, तो वो भी चीज़ अच्छी लगी। लेकिन लास्ट का मोमेंट जो था उसने एकदम से टच कर दिया और कुछ सीख दिए उन्होंने। कुछ सीख दी है? हाँ आई थिंक वो मूवी देखिए। कॉलेज के दिनों की याद आई आपको? बिल्कुल याद आई है, अपने मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, अपने दोस्तों को बहुत याद कर रहा था फिल्म देख के, तो ऑब्वियस सी बात है कॉलेज फ्रेंड्स या दूसरे फ्रेंड्स सबको याद किया मैंने। अभी आप फोन करेंगे सबको? हाँ ऑफ कोर्स फोन करूँगा, व्हाट्सएप करूँगा। थैंक यू। अच्छी लगी, पसंद आई। परफॉर्मेंस भी अच्छा है सबका, डायरेक्शन भी अच्छा है, सॉन्ग्स अच्छा है, लास्ट गार्ड जो गाना है अच्छा है। हाँ डायलॉग थोड़े वल्गर भी है लेकिन ठीक है, कॉमेडी भी है उसमें, हॉस्टल लाइफ के बारे में है, एक मैसेज भी देती है फिल्म, लूजर्स कामयाब भी हो सकता है ऐसा, तिकड़मबाजी वाला आइडिया अच्छा है। और क्या क्या पसंद आया फिल्म में आपको? अच्छा तो सभी पिक्चर मतलब पैसा वसूल है।